14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की केंद्र सरकार के खिलाफ महारैली में हिमाचल प्रदेश से 1000 कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भाग लेंगे। हाईकमान की तरफ से हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रैली में 1000 लोग को जुटाने का टारगेट दिया है, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व कार्यकारिणी पदाधिकारियों को रैली में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है और लोग परेशानी में हैं। इसलिए विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ महारैली का आयोजन करने जा रही है। इसी संदर्भ में हमने आज अपने पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। हमें दिल्ली से 1000 का टारगेट दिया गया है और जो हमने उत्साह अपने पार्टी के नेताओं में देखा, हम इस टारगेट को जो है एक्सीड करेंगे। अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के में जिला स्तर पर हमने बढ़ती हुई महंगाई, रिसेशन, बेरोजगारी और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर जो है जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शन किए, जो बहुत ज़्यादा सफल रहे। राष्ट्रीय स्तर पर इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ये महारैली भी जो केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ हैं, उन नीतियों के खिलाफ विरोध स्वरूप जो है की जा रही है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रैली होगी और आने वाले समय में जो देश में सत्ता परिवर्तन होगा उसकी तरफ ये कांग्रेस पार्टी का जो है पहला कदम है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में देश में और प्रदेश में विपक्ष की जो है एक अहम भूमिका में नजर आएगी। आज की बैठक में हमने अपने पूर्व पदाधिकारीगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायक और मौजूदा विधायकों को हमने आमंत्रित। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।